नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आमतौर पर लोग किसी तरह की शिकायत को दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाने से कतराते हैं। दरअसल थाना पुलिस के चक्कर लगाने से कई लोग डरते भी हैं। इसका नुकसान यह होता है कि लोग अपनी समस्याओं को दबा लेते हैं और समस्या दूर नहीं होने के कारण आगे चलकर कई बार यह नुकसान भी कर देता है। लेकिन अब बिहार पुलिस आम लोगों की मनोदशा को समझते हुए तकनीकी तौर पर हर वक्त आपके लिए अवेलेबल होने जा रही है। इसका मतलब है कि अब आप चाहे तो किसी तरह की आपराधिक या फिर अन्य शिकायत को घर बैठे भी दर्ज करवा सकते हैं। आपको शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस थाना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह काम आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि बिहार पुलिस ने नए कलेवर के साथ अपनी वेबसाइट को लॉन्च किया है। इस वेबसाइट में कई तरह की सेवाएं आम लोगों को मिलेगी, जिससे आपको पुलिस थाना का चक्कर काटना नहीं पड़ेगा। बिहार पुलिस की इस वेबसाइट का नाम biharpolice.in है। आप शिकायत दर्ज करने के लिए http://biharpolice.in ऑनलाइन रजिस्टर complaint.aspx पर जा सकते हैं, या फिर कोई परेशानी होने पर 1860-345-6999 पर कॉल कर सकते हैं। बताते चले कि इस वेबसाइट को आम लोगों की सहूलियत को देखते हुए तैयार किया गया है। नई वेबसाइट में आम लोगों की शिकायतों को 9 भागों में बांटा गया है। इन 9 कैटेगरी के तहत सांप्रदायिक मुद्दों से जुड़े, पुलिस के खिलाफ मामले, मद्य निषेध से जुड़े, विविध क्राइम, नक्सल संबंधी समस्या, किसी के शरीर पर हुए अपराध से जुड़े, संपत्ति को लेकर हुए अपराध, ट्रैफिक संबंधित अपराध और महिला मामलों से जुड़े अपराध को लेकर शिकायत कर सकते हैं। खास बात यह है कि अगर कोई पुलिस वाले के काम से आपको शिकायत है तो आप उसकी भी शिकायत इस वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं। पुलिस के खिलाफ शिकायत के कॉलम को भी 5 उप भागों में बांटा गया है। इसमें पुलिस के एक्शन संबंधित काम करने के लिए रिश्वत की मांग, पुलिस के खराब व्यवहार करने, किसी मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने आदि से जुड़े शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा मद्य निषेध व अन्य अपराधों को भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, ताकि लोग स्पष्ट रूप से अपनी शिकायत के कारणों को बता सके। आपको बता दें कि जब आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाने के लिए बताए गए लिंक को खोलेंगे तो उस ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछे गए विवरण को आपको भरना होगा। इस फॉर्म में आपको अपना नाम, लिंग, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल, जहां कार्रवाई करनी हो उस स्थान का जिला, थाना और लैंडमार्क, जो शिकायत कर रहा है उसका स्थायी पता, शिकायत का प्रकार, शिकायत की कैटेगरी और उप कैटेगरी के विवरण पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको अपना कोई पहचान का दस्तावेज भी अपलोड करना होगा, जो कि PDF, DOC, CX, XLS या फिर XLSX फॉर्मेट में और 5 MB साइज का होना चाहिए। साथ ही आपको अपनी शिकायत का छोटा सा विवरण भी भरना होगा। आपको यहाँ ये जरूरी बता दें कि फॉर्म में जिन विवरण के सामने छोटा सा रेड स्टार मार्क दिख रहा होगा उनको भरना अनिवार्य होगा, बाकी जिनमें नहीं दिखेगा उन्हें आप छोड़ भी सकते हैं। इस तरह लास्ट में सबमिट पर क्लिक करके आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे। यह प्रक्रिया काफी आसान है। शिकायत दर्ज होते ही बिहार पुलिस की शिकायत निवारण प्रणाली अपना काम करना शुरू कर देगी। इसके लिए बिहार पुलिस मुख्यालय से ही ये शिकायत संबंधित अधिकारी तक भेज दिए जाएंगे, जिसके बाद निश्चित समय पर उनका समाधान भी कर दिया जाएगा। आप चाहे तो अपनी शिकायत की स्थिति किसी भी समय चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि हर कार्रवाई का विवरण आपके मोबाइल पर मैसेज के जरिए आपको मिलता रहेगा। बिहार पुलिस का यह कदम काफी सराहनीय है। इससे पुलिस की प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और आम लोग भी अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए बिना थाना जाए भी मदद ले सकेंगे। खास बात यह है कि पुलिस भी आनाकानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट पर हर चीज का खाका मौजूद रहेगा। इसकी निगरानी पुलिस मुख्यालय स्तर तक हो सकेगी। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि बिहार पुलिस का यह कदम अपराध को दूर करने में सफल होगा या नहीं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।